बोलिए जय हिंद। जय हिंद। जोर से बोलो जय। तो देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण और यौगिक में क्या चीज है अंतर। क्या अंतर? यानी क्या बोलेंगे इसमें है, क्या बोलते बोला जाता है डिफरेंस। डिफरेंस अंतर होता है, डिफरेंस मतलब अंतर। डिफरेंस बिटवीन क्या चीज है? मिक्सचर, मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिश्रण को जो है समांग भी होता है और विषमांग भी होता है ना। समांग भी होता है और विषमांग, जो पूरा मिल गया वो क्या हो गया? समांग। जैसे बताए थे समांग मिश्रण कैसा, कि जो अगर जल और अम्लीय आदि का चीज अल्कोहल तो पता चलता है नहीं ना, क्या होता है वह क्या होता है? समांग मिश्रण होता है। समांग जैसे बताया जाए करुआ तेल कोई भी तेल हो मिला दे जल में तो क्यों क्या हो गया वो विषमांग। उसके पता चलता है तेल ऊपर हो जाता है और पानी नीचे हो जाता है। तो समांग और विषमांग में क्या यह होता है कुछ मिक्सचर यानी कि मिश्रण में। और क्या यौगिक है? क्या है यौगिक? तो यौगिक में क्या चीज है क्या कि हमेशा क्या होता है? समांग होता है। इसका गुण क्या दिखता है? एक जैसा दिखेगा, कैसे दिखेगा? एक जैसा इसका गुण दिखता है। जैसे मान लेते हैं कि कज बनाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब मिलाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को H2+O2 ये क्या होता है? बन जाता है जल, बन जाता है समझ लेता है जल। यह क्या होता है? यह समांग होता है। क्या होता है? समांग। यह जल है, जल। क्योंकि देखिए पहले शुरू में क्या था? गैस है, दोनों गैस है ना है। ये हाइड्रोजन गैस है, कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस है। तो दोनों गैस गैस मिलकर क्या बन गया? लिक्विड। क्या बन गया? लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? द्रव। क्या था? द्रव। तो ये क्या था पहला था कि समांग जो मिश्रण है पहला केस में समांग भी हो सकता है विषमांग भी हो सकता है। अरे इसमें क्या है केवल यह समांग हो सकता है, विषमांग नहीं हो सकता है क्योंकि यौगिक जो है इसको मिलने में नीचे ना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बनता है। अब दारू और पानी के मिला दी तो कोई पदार्थ बन के नया बना बना नहीं। जैसे मैं यहाँ पर कैसे मिला दिया H2O2 बना दी, क्या बन गया पर यहाँ पर H2O2 मिला तो जल बन गया। उसी तरह से मिला देते क्या सोडियम Na+Cl मिला देते क्या बन जाता है? नमक बन जाता है। क्या बन जाता है? नमक। और उसी तरह से क्या होता है यह जो है एक या एक से अधिक पदार्थ मिलाते हैं तो नया पदार्थ बन जाता है। किसमें? यौगिक में। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बनता है। अब माने कि आटा मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? कोई मैदा मिला दीजिए तो नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ नहीं बनता, उसका गुण वही नहीं रहता है। और इसमें तीसरा क्या चीज है कि यह दो या दो से अधिक पदार्थों के अणु से मिलकर बनता है, यानी कि दो या दस क्या रहता है? अधिक रहता है। क्या रहता है? अधिक। यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें एक अणु नहीं रहता, अलग अणु रहता है। अभी बताया जैसे अल्कोहल को बताया है ना, बालू ले लीजिए, बालू ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, दोनों क्या होता है? अलग अलग अणु ना इसका हार। बालू ले लीजिए, नमक ले लीजिए, यह क्या होता है कि दो या अधिक प्रकार के अणु से मिलकर बनता है कौन? मिश्रण। कंपाउंड में क्या चीज है कि एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बनता है। इसमें क्या होता है? एक ही प्रकार के अणु रहते हैं है ना। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्या है इसमें एक ही प्रकार के अणु मिलते हैं, तरह माना है यौगिक है। अभी इसमें चौथा है कि यह देखिए इसका परिभाषा की बात है, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलते हैं तो वह किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं। इस प्रकार जो कोई जरूरी नहीं है कि वह अनुपात क्या हो, समान हो, निश्चित हो, या किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कंकड़ और चावल का मिश्रण रहता है, जल और बालू का मिश्रण किसी भी अनुपात में मिल जाता है। इसको मिलाने के लिए क्या होता है? यौगिक मिलाने के लिए मिलता है। इसको मिलाने के लिए रखने पड़ेगा, गर्म करने पड़ेगा, जो है बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाने पड़ती है। किसको बनाने के लिए? यौगिक को बनाने के लिए। तो यह दो या अधिक शुद्ध पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या होता है? बन जाता है। इसमें है कि यह एक शुद्ध पदार्थ है, क्या है? यह प्योर है जल, जो क्या दो या अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से ही बनता है। एक निश्चित रहेगा तभी बनेगा। मुझे मान लेते हैं हमारे H2 है, यहाँ पर खाली वो रहेगा तो रिएक्शन करेगा, इसको सेम किया जाता है सेम, तो तब ना रिएक्शन करेगा। तो यह क्या शुद्ध पदार्थ है, प्योर जल, क्या एक शुद्ध पदार्थ ना है, जल के लिए शुद्ध है, क्या शुद्ध पदार्थ है। पहले सोडियम था, यहाँ पर है ना सोडियम, यहाँ भी क्या क्लोरीन गैस, सोडियम धातु है,
जब दोनों को मिला दी तो क्या बन गया NaCl, NaCl मतलब क्या होता है नमक, NaCl का एक शुद्ध पदार्थ हो गया, क्या हो गया शुद्ध पदार्थ हो गया। हमारे नमक को अबाला करिएगा तो क्या करेगा, करने पड़ेगा इसमें हम करंट प्रवाह करेंगे, इसको लेके जल में घोलकर करंट जैसे प्रवाह करिएगा तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, सोडियम क्लोरीन अलग हो जाता है लिक्विड के रूप में जब रहेगा, जैसे द्रव होता है लिक्विड रहेगा तो जैसे बर्तन ले लो उसमें घोल के कर देना प्रवाह हो जाता है। देखा गोबर गैस है, गोबर गैस को बनाया है घर पे, जो बैटरी आता था पहले थी वाला घर थी वाला टॉर्च वाला बैटरी, उसको छेद कर बनाता है सर। देखा उसमें नमक डाला जाता है, नमक डालते हैं तो क्या होता है उसमें जितने भी लिक्विड रहता है रिएक्शन कर लेता है, नमक मिलाते हैं गोबर मिला देते हैं तो क्या एक शुद्ध पदार्थ नहीं, तो क्या दो या दो सही पदार्थों का एक समान निश्चित अनुपात है क्या है। देखिए इसमें पांचवा है कि इसका द्रव्यमानांक, द्रव्यमानांक इसमें क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं किसको द्रव्यमानांक को, और क्वथनांक इसका इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, यानी कहने के बाद जो खोल रहा है क्या हो गया क्वथनांक होता है, क्वथनांक। कोई भी चीज है कौन लोग खाना बनाते हैं कोई भी जो है चीज क्या होता है क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका गुण क्या होता है निश्चित है नहीं होता है। इसको लिखवाया था पीछे की मिश्रण में, मिश्रण में क्या होता है मिश्रण बनाने में नहीं कोई ऊर्जा की जरूरत होती है और ना ही कोई उत्सर्जन की जरूरत होती है, इसमें कोई किसी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया जरूरी नहीं है। और वही जो इसमें आते हैं इसमें रासायनिक अभिक्रिया की जरूरी होता है, बिना रासायनिक अभिक्रिया के जो नहीं बनेगा बनेगा। अब यहाँ पर O2 लगा दिए थे बनवा नहीं करेगा बिना रिएक्शन किए हुए, इसको ऐसे भी रख देते हैं तो मिल जाता है। जैसे कलर, कलर का भी मिश्रण किया जाता है, कलर मतलब रंग ना, रंग मिश्रण हाँ। इसका तरह देखिए इसमें क्या चीज, इसमें जो है निश्चित नहीं होता है, क्या होता है निश्चित नहीं होता है, इसका क्या चीज है क्वथनांक, द्रव्यमानांक क्वथनांक गुण क्या होता है निश्चित होता है। और इसको बोल सकते हैं क्या है इसका द्रव्यमानांक क्वथनांक अनिश्चित होता है, अनिश्चित मतलब ना है अनिश्चित होता है, इसका द्रव्यमानांक क्वथनांक क्या होता है निश्चित होता है, यानी परफेक्ट इसका जो है निश्चित होना चाहिए। इसके लिए ये यौगिक और क्या विषय में अंतर है, किसी को एनी डाउट बोलो। जब बोले थे कि जल मिश्रण है, जल मिश्रण है यौगिक क्या रहा? संयोग कर रहा कर रहा संयोग तो जल जो है क्या चीज है, ये क्या यौगिक है, क्या यौगिक है। ये भी लिखवा दे पीछे के वायु में क्या है, वायु के मिश्रण है यौगिक नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि वायु में क्या होता है विभिन्न प्रकार के गैसें हैं, किसान विभिन्न प्रकार के गैसें हैं, विभिन्न प्रकार क्या उसमें जो है जलवाष्प है धूल कण है सभी मिला हुआ है। कभी कभी देखते हैं कि हवा जब बहती है तो गर्दा उड़ जाता है ऊपर में तो मिश्रण हो जाता है, ना बोलते पाउडर उड़ा बहुत पाउडर, इसमें क्या होता है यह जो है मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है ना, और जल एक क्या चीज है यौगिक है, और ऑक्सीजन ये क्या है तत्व है। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है कल बताया था ना Cl2, ये क्लोरीन का सूत्र है, ऑक्सीजन का सूत्र है O2, जल का सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2, और ये सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड ही है। ये देखिए कि जो है जरूरी से याद रहना चाहिए, तो कोई पूछ देता है नहीं बताते, इतना हल्का हल्का चीज है ना। अब ऑक्सीजन का सूत्र पूछ देगा, ले ऑक्सीजन O2 होता है, क्लोरीन ऑक्सीजन जल कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एक और इसका होता, हाँ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा H2 हो, क्या हो गया जो इतना हल्का है ना, आप कभी देखे कोई पूछ देता है पूरा भारी लग रहा था, भारी है उतार लीजिए No.